हेलो स्टूडेंट्स, ये जेई एडवांस 2023 के पेपर वन का क्वेश्चन 16 है। सेक्शन 4 का क्वेश्चन है, मैथ्स दी कॉलम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी सी फ्लॉ है। अब देखते हैं कि वो बोनस इस क्वेश्चन को लेकर देते हैं कि नहीं। जैसे आप देखो, इस पी में ये नेम लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी अगर इसको आईयूपीएसी नेम कंसीडर करके करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर वी कैन ड्रॉ, जैसे 1 ब्रोमो 2 इथाइल आप सोचते हो तो पेंटेन आप 5 कार्बन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, है ना। और 1 पे आपने बीआर लगा भी दिया और फिर 2 पे इथाइल लगाया, है ना, ऐसा। और फिर आप बाकी इसमें हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दो, ठीक है। तो अब अगर देखोगे तो इसमें चेन का प्रॉब्लम हो गया है परहैप्स, इसलिए आईयूपीएसी नेम अगर इसको कंसीडर करेंगे तो गलत हो जाएगा। बट मानकर चल रहे हैं जो दिया है उसके बेसिस पे कैसे इसको सॉल्व करें। तो ये बेसिकली ये कार्बन काइरल है। अब सोचिए, अगर SN2 रिएक्शन कराएंगे तो SN2 रिएक्शन जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन विच इज कनेक्टेड टू लीविंग ग्रुप, तो देर विल नॉट बी एनी चेंज इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस कार्बन। जो काइरल है उस पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो पी है उसमें रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन लेना है, याद रखना, क्योंकि उस कार्बन पे अटैक हुआ ही नहीं है जिसपे लीविंग ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब दूसरे वाले को देखो। इस वाले में 2 ब्रोमो पेंटेन है, तो पेंटेन पहले आप ड्रॉ कर लो और 2 ब्रोमो। हाँ, इस वाले में जब आप करोगे तो यस, इसमें जिस कार्बन पर अटैक होना है वो ही काइरल कार्बन है, तो यहाँ इन्वर्जन होगा। इसका मतलब है कि जो पी है वो 2 से मैच कर रहा है और जो क्यू है वो 1 से मैच कर रहा है। अगर देखा जाए तो ऐसे ही आपको आंसर आ गया। लेकिन और देख लेते हैं, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, तो पहले हेक्सेन आप बना लीजिए। हेक्सेन 3 ब्रोमो है और 3 मिथाइल भी है, ये है। अब यहाँ SN1 लेकिन करा दिया ना, SN1 में तो रेसमाइजेशन होता है तो वहां पर हम नहीं कंसीडर करेंगे। ऑल दो डोमिनेट करता है इन्वर्जन, तो अभी थोड़ा सा फिर अगर ज्यादा उस पर चले जाएंगे तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल वे में हो जाएगा। बट अगर हम ये मानकर चल लें कि कार्बोकेटायन मैकेनिज्म के बेसिस पे लेकर जाना है तो रेसमाइजेशन होगा, तो मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स हम उसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो आर के लिए मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स मतलब 3। अब एस पे जाएंगे तो एस की खास बात है, देखो कि अटैक इस कार्बन पे होगा क्योंकि लीविंग ग्रुप यहाँ है, लेकिन एक और काइरल कार्बन है। अब रिकॉल करो नोट्स, है ना, कई बार आपको बताया कि अगर एक काइरल कार्बन पहले से है और एक जो है जिसपे इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि वो उस पर इन्वर्जन होगा, लेकिन आप जो पहले से जो है वो मान लीजिए कि उसका कॉन्फिगरेशन जो है डेक्स्ट्रो है, राइट, उसका कॉन्फिगरेशन, और यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, तो यहाँ कॉन्फिगरेशन डेक्स्ट्रो प्लस लेवो दोनों आएगा, है ना। तो अभी वहां डी डी एक कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा और एक बनेगा डी एल कॉम्बिनेशन का, तो ये क्या होंगे, ये डायस्टेरोमर्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब है एस जो है मैच करेगा, वो मैच करेगा 5 से, एस मैच करेगा 5 से, यानी कि बी आपका इसमें करेगा।